अमीशा प्लीज तुम रोना तो बंद करो। और तुम क्या डमी बनी इसे देख रही हो, चुप करवाओ। तो भाई और क्या कर रही हूँ मैं इतनी देर से, भाई से भी डांट पड़वा दी, अब तो चुप कर जाओ यार। आप इसे क्यों डांट रहे हैं? और क्या करूं, हमारा कुछ और सुनने का मूड ही नहीं। पता है इकरार भाई और नीनू जब घर छोड़ के चले जाएंगे तो घर बहुत सूना हो जाएगा, मैंने नहीं रहना उनके बगैर। अच्छा मैं बात करता हूँ इकरार भाई से। क्या हो गया आपको, दिमाग तो ठीक है आपका, क्या बात करेंगे आप उनसे? यही कहूंगा कि मीशा की आंखों में मुझे आंसू बिल्कुल बर्दाश्त नहीं है। मारिया मुझे लगता है तुम्हारे भाई का दिमाग खराब हो गया है, होशो आवाज खो बैठे हैं अपना। तुम्हें रोता देखकर वैसे ही आवाज खो बैठता हूँ मैं। मतलब कुछ भी कहेंगे अब आप? तुम्हारा मूड ठीक करने को मैं कुछ भी कर सकता हूँ। मुझे नहीं बात करनी आप दोनों से। मैडम जज्बाती, आराम से, मुझे घर जाना है। अच्छा चलो आ जाओ, मैं ड्रॉप कर देता हूँ। एंड डोंट वरी, मेरा दिल कहता है इकरार भाई कहीं नहीं जाएंगे। सच्ची? अच्छा कोशिश करो कि अगर तुम्हें लगता है कि डिज़ाइंस तुम्हें बेहतर नहीं लग रहे हैं तो उस पर भी डिस्कस कर सकते हो, लेकिन ये नहीं कि जो चीज़ तुम्हारे पास आ रही है तुम उसको अप्रूव करते चले जाओ। ठीक है? ठीक है भैया, मैं देख लेता हूँ और मैं चेक करूँगा, कोशिश करूँगा कि मैं खुद डिज़ाइन पास करूँ। उठा लो ना फ़ोन, कोई चौथी दफ़ा मानू कर चुकी है। आपको कैसे पता है कि मानू का फ़ोन है? इतनी मुस्तफ़िल मिजाजी तो बीवियों में ही पाई जाती है। हेलो। कभी सोचा नहीं था कि तुम मेरा फोन उठाने से पहले इतना सोचोगे। सोचा तो मैंने भी नहीं था कि तुम्हारे अंदाज यूं बदल जाएंगे। मुझे तुमसे बात करनी है। बोलो, सुन रहा हूं मैं। ऐसे फोन पर नहीं। ठीक है, घर आ जाता हूँ तुम्हारे। घर पर नहीं, कहीं बाहर मिलना है मुझे। कहाँ? उसी रेस्टोरेंट में जहां कभी तुमने मुझे प्रपोज किया था। कब? कल शाम। ठीक है।